सारे विजिटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 1792 इट स्टार्टेड, इट वाज फाउंडेड एंड बाय 1813 द फाउंडर द सैमुअल हैनीमैन हैज रिटन सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट द एपिडेमिक्स। तब भी जो चल रहे थे विश्व में, जब बाकी बीमारियों के ऊपर भी दवाई नहीं थी, तब उन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की और शुरुआत ही उसकी जब सक्सेस रहा है, वो सारा एपिडेमिक डिजीज में बहुत रहा था उस टाइम पे जो चल रहा था, साइबेरियन इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, एशियाटिक कॉलेरा के नाम से उस टाइम बहुत जाना माना था, टाइफस फीवर और स्कारलेट फीवर और प्लेग। तो ये सारी बीमारी एपिडेमिक में होम्योपैथी वॉज द फर्स्ट साइंस विच हैज कॉन्कर्ड द डिसीज। होम्योपैथी का शुरुआत भी वहीं से हुआ, फाउंडेशन भी वहीं पे हुआ और होम्योपैथी का फैलावा जो पूरे विश्व में उसके बाद जो हुआ, यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज जब पूरे विश्व में फैलने लगे तो होम्योपैथी उनके साथ चलने लगी। इट वॉज मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ ट्रीटिंग दी ह्यूमंस। उन्होंने बचाए थे बहुत सारे लोगों की जानें बचाई थी और जाहिर है जब ऐसी सटीक दवाइयाँ जब मिलती हैं तो उनको पहले मिले थे राज परिवार के लोग, जो रॉयल फैमिलीज रहती हैं यूरोप में। उस समय बहुत सारे कंट्रीज है छोटे छोटे करके, जैसे हमारे यहाँ भी सौराष्ट्र था, उन लोगों ने उसका इस्तेमाल चालू किया और वैसे जाके होम्योपैथी बढ़ने लगी। उनका उस वक्त भी कहना था, इन 1813 ही हैज रिटन, ये महामारी आती रहेगी विश्व में, अनेक अलग अलग रूप से आती रहेगी, हर बार जो भी महामारी आती रहेगी तो उसी महामारी में होम्योपैथी की तरफ से पर्टिकुलर सिस्टम उन्होंने ले डाउन किया हुआ है, नॉर्म्स ले डाउन किया, रूल्स ले डाउन किए कि जब भी कोई महामारी आएगी तो उसकी दवाई ऐसे ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। और उनकी सारी दवाइयों का सारा लिस्ट बनाया जो मटीरिया मेडिका कहते हैं, टेक्निकल में ज्यादा नहीं जाएंगे, बट वो उन्होंने पहले से वो सब जानते थे। एंड स्टिल वी सी दैट आज डिजिटल हो चुका है इतना, बट साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, मेडिकल साइंस भी इतनी आगे बढ़ चुका है, बट स्टिल ये महामारी जो है आज एक नए रूप में आ चुकी है, नया रूप पकड़ा हुआ है और आज पूरा विश्व उसकी चपेट में है। हर कंट्री अपनी तरफ से पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक जीरो से यानी एक केस से 1 लाख पहुंचते पहुंचते उनको 2 महीने लग गए, 65 डेज लग गए, 2 महीने से थोड़े ऊपर दिन, कई देश उसमें 30 दिन में आ गए, कई देश में 45 दिन में आ गए। तो ये अगर दूसरे देशों में भी इसका होम्योपैथी का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे जैसे हमारे यहाँ भी इसकी उत्सुकता बढ़ी, उसकी एप्लीकेशन बढ़ने लगी। और ये महावरा होम्योपैथी का बहुत पुराना है, एपिडेमिक को कंट्रोल करना, एपिडेमिक में ट्रीटमेंट लेना, लोगों के ऊपर एक साथ में लगाना, ये बहुत पुराना महावरा है। I think you have covered what is the source of the homeopathic medicine used for the boosting immunity against the COVID-19. Yes. Still, if you can give little bit more. जैसे इस वक्त जो दवाई चल रही है, कि जैसे सोर्स ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग कि अभी कैम्फोरा, कोई भी मेडिसिन रहती है उसको प्योरीफाई करते हैं पहले होम्योपैथिक सिस्टम में। जैसे इस वक्त अगर कैम्फोरा मैं बता रहा हूँ, वो कैम्फोरा का सोर्स रहता है लॉरस कैम्फोरा, एक ट्री है जिसके ऊपर उसका गुंद बनता है, उस गुंद को प्योरीफाई करके होम्योपैथिक वे से उसको बनाया जाता है, पोटेंटाइज किया, जो होम्योपैथिक सिस्टम है उसको पोटेंटाइजेशन किया, इसका पावर बढ़ाया जाता है। और जो लॉरस कैम्फोरा जो ट्री है उसी में से उसकी ये शुरुआत होती है। जब आदमी के शरीर में जब ये दवाई चली जाती है तो जब भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो प्रकार की जो पहले ढूंढा गया था कि उसकी मटीरिया मेडिका जो मैंने बताया आगे, उसमें जो लक्षण बताए हैं और ये बीमारी के लक्षण दोनों मेल आपस में मैचिंग होते हैं, उस मैचिंग की वजह से इस वक्त अमीर ये सोर्स ये लॉरस कैम्फोरा से कैम्फोरा बनी है। एंड दैट इज वाई ये एपिडेमिक में हमने ये देखा है कि कैम्फोरा इज द राइट प्रॉपर मेडिकेशन, सटीक दवाई है वो। इसको किस एज ग्रुप में लोग ले सकते हैं? अब एज ग्रुप का जो आप बता रहे हैं, इट कैन बी टेकन एट एनी एज एक्सेप्ट दी फीडिंग चिल्ड्रन। फीडिंग चिल्ड्रन में अगर मदर लेती हैं तो ठीक हो गया उनके लिए, बच्चों के लिए जो फीडिंग चिल्ड्रन छोड़ के सभी एज में चलता है, यंग चिल्ड्रन, ग्रोन अप, उसके बाद फुल्ली ग्रोन अप एडल्ट, और जो प्राउड कहेंगे या आप लेटर एज ऑफ द लाइफ, सीनियर सिटीजन, हर एक एज में दवाई ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब या कोई इनको ज्यादा लेनी है, कब लेनी है, ऐसा कुछ? कब लेनी है ये एक अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत सारी थियोरियां घूमती रहती हैं कब लेनी है ये। तो अगर ज्यादातर खुले मुंह लेना है, यानी पानी से मुंह खुला करके साफ करके,
लेना है, दैट इज नंबर वन। अगर सबसे अच्छा समय है होम्योपैथिक दवाई लेने का तो सुबह का समय रहता है, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज फाइन, अगर भूल गए तो कभी भी ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं। और एनी एज मैंने बताया कि सब कोई एज में ये चल जाएगा। कोई आइडियल डोज कितने दिन लेना चाहिए, कितने दिन के बाद फिर से लेना चाहिए? एक बार अगर शुरू करें पहली बार, जैसे 20 बार हम इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से ले रहे हैं पहली बार, अब जो ज्यादा जो चल रहा है इस वक्त कि ये कोरोना वायरस में अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए तो ये पहली दवा है जो जिस दवाई के रूप में लेंगे, तो पहला डोज लेंगे पहले दिन, बिना अंतर रखे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, पांच दिन लेना है एक साथ में, पांच गोली जीप के ऊपर रखना है। अगर बहुत सारे हितेश भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये वेबिनार मुझे इसलिए आइडिया पसंद आया कि होम्योपैथी का नाम सुना होगा किसी ने सिर्फ सुना होगा कि होम्योपैथी क्या है, बट किसी ने अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ कुछ पता ही नहीं है होम्योपैथी के बारे में, तो मुझे थोड़ा लगता है कि एक बता दूं आपको कि वो कैसे रहता है। एक बॉटल जैसे ऐसे रहता है जिसमें गोलियां बनी रहती है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो जैसे आप इस गोली के ऊपर इसमें पांच गोली निकाल दें, अगर कैप में लेना आपको मुश्किल लगता है समझिए, तो सिर्फ आप चम्मच में भी ले सकते हैं, सीधा पांच गोली जैसे आपने ले ली। जो लोग होम्योपैथी से जाने माने नहीं है उनके लिए थोड़ा डेमो दे देता हूँ, इसे लेना ठीक रहेगा। और फिर लेने का तरीका कैसा, सीधा सिंपल है, जीभ के ऊपर गोली रख दे आप, और जैसे गोली अपनी जीभ के ऊपर रखेंगे, होम्योपैथिक दवाई की एक्शन सिर्फ वहीं से शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम द टंग। हमारे जो टेस्ट बड है वो नर्व के पार्ट है, ब्रेन का नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है उसका पार्ट बनता है, वहीं से उसकी इफेक्ट शुरू हो जाती है। इसीलिए मुंह खुला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पानी पी के साफ करना चाहिए। दवाई जब तक मुंह में रहती है तब तक कुछ न खाए न पिए, शायद 4-5 मिनट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगी, उसके बाद आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब चल सकता है, उसके बाद में कोई परहेज नहीं है उसकी। कोई रिपीटेशन इसमें, पहली बार 5 दिन ले ली उसके बाद वापस कब लेना चाहिए? जी, इस बार जो दवाई जो हमने सजेस्ट की है वो लेने के बाद वो आपको 3 हफ्ते तक, अंदाजित 2 से 3 हफ्ते तक अच्छी तरह से इम्यूनिटी बढ़ा के रखेगी। तो अगर रिपीट करना है डोज वापस, कोरोना का अगर महामारी का ये चलता रहा एपिडेमिक, तो आप उसको 3 हफ्ते के बाद वापस रिपीट करेंगे तो अच्छा। इसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि लोगों को जो पहला डोज दिया है उसकी दवाई तो रहेगी उनके पास स्टॉक में, तो इसकी शेल्फ लाइफ और स्टोरेज के बारे में कुछ आप? स्टोरेज ऐसे जैसे आप घर के कोई सामान्य ड्रॉअर में रखें, रेफ्रिजरेटर में ना रखें, रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर होता है, गोलियों को मॉइस्चर पकड़ने से वापस वो वेज जैसा हो जाएगा, और अच्छे से छोटे से ड्रॉअर में रख दे, हीट के सामने ना रखें, हीट से दूर रखें, सनलाइट से दूर रखें, वेरी सिंपल वे टू स्टोर, ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो भी चलेगा, एनी रूम टेम्परेचर इज फाइन, कोल्ड टेम्परेचर इज ऑल्सो ठीक है, कभी कोई जैसे कोई US में रहेगा, यूरोप में रहेगा, तो इवन फ्रोजन टेम्परेचर इज नॉट अ प्रॉब्लम। में कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स इसके, स्टमक हेडेक या स्टमक में कोई पेन? बहुत अच्छी बात बताई हितेश भाई, मोस्ट वेलकम, बहुत बड़ा सुंदर सवाल है ये। आज कोई भी दवाई खाते हैं तो हर एक को होता है कि ये दवाई लेने के बाद ये 5 दिन अगर मैं दवाई लेता हूँ तो मेरे पे इफेक्ट तो जरूर, आपने बताया कि होता है, पर साइड इफेक्ट क्या होगा? ये होम्योपैथिक दवाई जैसे मैंने बताया कि लॉरस कैम्पारा से जब बनती है या कोई भी दवाई बनती है तो इतनी छोटी मात्रा में उसको डायल्यूट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम पोटेटाइजेशन कहते हैं, तो इसमें केमिकल यानी कि इसमें कि उसका फिजिकल मात्रा बहुत छोटी हो जाती है, उसको पोटेटाइज इसीलिए कि उसका पावर बढ़ते जाता है, तो जो मात्रा बहुत कम होने से इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगी। दूसरी मेडिसिन चालू है लोगों की, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी या और कई भी पेट की, तो उससे कोई एलोपैथिक ले रहा है, कोई आयुर्वेदिक ले रहा है? जी जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया मैंने कि हर एज में ले सकते हैं, तो स्वाभाविक है 40-50 के बाद किसी को कुछ ना कुछ छोटा मोटा जैसे कोलेस्ट्रॉल है या थायराइड है, बाकी की बीमारियों का या कुछ छोटा मोटा रेगुलर मेडिकेशन रहता ही होगा, तो ये उसके साथ में भी ले सकते हैं। दी अवर अभी जो प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चल रहा है या सरकार का या पूरी दुनिया का, दैट इज टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ एवरीबडी, तो ये सिर्फ ये कोरोना वायरस के सामने थोड़ा हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने का प्रोसेस है, तो इसके बाकी की दवाई चलती रहेगी वैसे ही चलनी चाहिए जैसे चलती थी, उसमें कोई रुकावट ना करे, ना कोई फेरफार करे, सिर्फ ये दवा का इंट्रोडक्शन करे।
तो क्या ये दवाई खाने के बाद आदमी कहीं भी मस्त घूम सकता है, पी सकता है बिना कोई डर रखे? बात सही है, क्योंकि आज जैसे आपने कहा, पहले बताया था कि बस हर कोई डरा हुआ है, लॉकडाउन है, घर में है, घबराया हुआ भी है, दवाई ले ली तो हिम्मत आ जाएगी, लोकल ट्रेन में घूमने लगेंगे जैसे बॉम्बे वाले हैं, या बसों में घूमने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे गाइडलाइन दी गई है सरकार ने, बहुत सोच समझ के आपको गाइडलाइन दी है, उसका हर हाल में पालन करना होगा। ये दवाई आपको पर्सनली मिल भी जरूर देगा, मगर उसका मतलब यही होता है कि यू हैव टू फॉलो दी जैसे नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, लार्ज गैदरिंग में नहीं रहना है, जैसे अभी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई वो तो हमें फॉलो करना ही करना है। और इसे बिल्कुल जैसे आपने बताया कि निश्चिंत हो जाए, ऐसा नहीं। अगर ये लंबा चला तो क्या किसी ने अपने नजदीक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके इसको वापस चेक करना चाहिए? किस टाइप पे उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सही, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि जैसे अभी हमने, आपने जो अभियान चलाया और हमने भी जो चलाया है कि अभी हम एनमास हर लोगों के तक पहुंचे तो अच्छा है। जैसे ये प्लेटफॉर्म भी हमारा इसीलिए है कि एनमास हम अगर लोगों के साथ बातचीत कर पाए, कुछ जो अपनी भावना है और ये अपनी आइडिया जो है विचारों की लेन देन कर दे, तो अगर किसी को शक आए, किसी को कोई सिम्टम लगे, बुखार आए, गला खराब होने लगा, गले में दर्द होने लगा, खांसी आए, बॉडी पेन सीवियर होने लगा, या पेट में छोटा मोटा दर्द हुआ, सारे में थोड़ा एक दो दिन वो रुकेंगे, देखेंगे कि अपने साथ क्या हो रहा है, कुछ भी लगा तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इसके साथ भी चलती है हमारे यहाँ सीजन के साथ, जैसे इन्फ्लुएंजा है, छोटा मोटा बुखार है, सीजनल चेंज का बुखार है, तो ये चलते रहते हैं। तो छोटी हर चीज के लिए अपने भय में ना आ जाए, और साथ ही साथ में एक दो दिन रुक के फिर डॉक्टर की सलाह ले लें। अगर लगता है कि कोरोना है या कोविड है तो डॉक्टर की सलाह को माने और उस हिसाब से चलना चाहिए। पुणे की पुलिस फोर्स में पुलिसकर्मी जो 24 घंटे घूमते रहते हैं, 24 घंटे बाहर, उनके ऊपर भी उनका डोज अपना दिया गया, उनको पुलिस कमिश्नर को भी दिया गया, उनका उसके बाद बयान आया कि जिन्होंने भी ये दवाई का उपयोग किया है उनको रोड के घूमने के बाद भी, पब्लिक लाइफ में रहने के बाद भी संक्रमण नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है सर, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द सोसाइटी कि होम्योपैथिक दवाई अगर एडवांस में खाई जाए, जैसे बताए जाते हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है, उस तरीके से उसका सेवन किया जाए तो यस, वी कैन विन ओवर दिस सिचुएशन। इस पर लोग दो मेडिसिन की होम्योपैथिक में बात कर रहे हैं, एक आर्सेनिक और एक आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा कुछ ज्यादा आप बता पाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो दवाई होती है पहले ह्यूमन बीइंग पे ही ट्राई करते हैं, हर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, फिर उसके लक्षण बताए जाते हैं। तो इस बार कोरोना के जो लक्षण मिल रहे हैं, पूरी दुनिया की तरफ से जब जानकारी आ रही है कि कोरोना बीमारी में जब कोई मरीज होता है तो उसमें क्या क्या असर से गुजरता है, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, अस्पताल में कब पहुंचते हैं वो, उसमें वहां उसकी क्या क्या हालत होती है, तो धीमे धीमे 30-40 दिन के बाद ये इन्फॉर्मेशन जमा होने लगी। जमा हुई इन्फॉर्मेशन और हमने जो कोरोना का जो डिसीज यहाँ पे भी बॉम्बे में भी जिनको जिनको बीमारियां लगी थी उनके ऊपर भी हमने जो उपयोग किए हुए, तो सबसे सटीक पाया गया है, सबसे करीब जो पाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन वो कैम्फोरा है, और जो आर्सेनिक है दैट इज ट्रू अगेन, मगर वो पार्शियल सिमिलर जो यानी कि उससे नजदीक आती हुई है, पर सटीक जो है कैम्फोरा है। और से कैम्फोरा का जैसे आपने बताया कि पूना में प्रिवेंटिव इम्यूनो बूस्टर की तरह लिया गया, पुलिस का जो अनुभव रहा, राजीव बजाज ने भी अपनी तरफ से पूना में डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में इसका उपयोग हुआ, एशियाई कंट्रीज में भी इसका उपयोग हुआ, मेरे दूसरे कलीगों ने किया, मैंने खुद ने किया है, तो मुझे लगता है ये मेरा अनुभव है और मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बार इस पर्टिकुलर एपिडेमिक में, कैम्फोरा मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव, इज मोर फास्टर गिविंग रिजल्ट, क्विकर गिविंग रिजल्ट देन दी अदर मेडिसिन। आर्सेनिक भी काम करेगा जो अगर फास्टर क्विकर एंड मोर श्योर शॉट आ गया पॉजिटिव, कैम्फोरा जी कोविड और डिपेंड्स ऑन द स्टेज, उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक और क्या सजेस्ट करेंगे आप? इस सारे केस में डॉक्टर को मिलना चाहिए, उस वक्त में खुद की दवाई खुद से ना ले, डॉक्टर को बिल्कुल कांटेक्ट करें, होम्योपैथी डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर, उसको मिलना जरूरी है। एक
नॉर्मल दिमाग में होता है होम्योपैथिक जो है वो हम लोग जी जो गुजराती में बोलते हैं विरमगाम पैसेंजर है, बहुत अरे धीरे 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 चलती है, और ये जी आज की तारीख में लोगों को ये इतना फास्ट रिजल्ट कैसे मिल पा रहा है इसमें? सबसे पहला तो यही बताऊंगा कि आपका जो दूसरा सवाल था उसका पहला जवाब इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी वो कंटिन्यूटी रहेगी कि इतना क्विक रिजल्ट जो आना है, अगर सटीक दवाई मिल गई आपको इस वायरस के अगेंस्ट या इस एपिडेमिक के अगेंस्ट, अगर आपके पास प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर इंडिकेशन वाला मिल गया, दैट इज, तो उसका रिजल्ट हमेशा होम्योपैथी में फास्ट ही रहेगा, क्विक रहेगा, जेंटल भी रहेगा। होम्योपैथी की खासियत ही रही है ऐसे, ये एकदम सरल उपाय है, सिंपल है। और सेकेंडली आपने पूछा कि होम्योपैथी वर्क्स वेरी स्लोली, बाकी दैट इज अबाउट द क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीज खुद ही बहुत लंबे चलते रहते हैं और क्रॉनिक डिसीज में इट टेक्स लॉन्ग टाइम, दैट इज डिफरेंट थिंग। मगर एक्यूट डिसीज में एक्यूट टाइम में ही रिजल्ट आना चाहिए, कोई भी एक्यूट, जैसे अभी इन्होंने डेंगू का पूछा, मेरा खुद का अनुभव रहा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, अभी कोरोना, इन्फ्लुएंजा फीवर या फ्लू फीवर का हो या सीजनल फीवर का हो, जो भी एक्यूट डिसीजेज रहे, वी हैव टू शो देम, वी हैव टू मेक द पेशेंट रिकवर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड इट इज अमेजिंग, द रिजल्ट्स आर अमेजिंग व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस सो फार। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? बिल्कुल, इवन इफ दे आर हैविंग दैट सराउंडिंग, अगर उनके आसपास में बहुत सस्पेक्टेड केस हैं या कहीं आते जाते हैं तो उनको भी लेना चाहिए, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं, उनको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगी। और जो बच्चा पेट में पल रहा है प्रेगनेंसी में, उसके ऊपर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगी। कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव आया हो और उसके ऊपर जो होम्योपैथी ने काम किया हो उसके बारे में कुछ आप? यस, देर आर प्लेंटी सर, जैसे अभी बता रहा हूँ कि आसपास में जो मेरे परिचय में जो डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं या मेडिकल हॉस्पिटल में हैं या पेशेंट्स हैं जो सामने से अप्रोच करते हैं कि मुझे होम्योपैथी का इलाज करवाना है, हॉस्पिटलाइज है, उन्होंने भी किया हुआ है। और जैसे आपके थ्रू एज ए प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बूस्टर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे पेशेंट्स ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो एट एवरी स्टेज वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग कि आफ्टर गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सो दे आर वेरी एनकरेजिंग, वेरी मच सपोर्टिव टू व्हाट वी आर डूइंग। और साइंटिफिक एविडेंस भी हमने इकट्ठा करने का शुरू किया है, हर एक पेशेंट के हर एक तरफ से, उनकी बीमारी के पहले, दरमियान और उसके ठीक होने के बाद, तीनों के हमने एविडेंसेस भी जमा करने लगे हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, डिस्चार्ज कार्ड है, कोविड पॉजिटिव, कोविड-19, ये सारे रिपोर्ट के साथ हम एक डाटा जमा कर रहे हैं। इस पर ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी देखिएगा, पर एक ही दवाई इतने सारे लोगों तक पहुंच सकती है एंड मास दे सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल पावर है ये होम्योपैथिक मेडिसिन में। कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, तो जी इन लोगों का एक क्वेश्चन है कि हम जी लोग किस होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाए या कहाँ जाए तो हमें मेडिसिन मिलेगी? दी मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, उसका सेंटिटी बहुत जरूरी है, दवाई का असर आना, दवाई का इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजों का इफेक्टिव जैसे प्रोक्योर करते हैं, जैसे बनाते हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। यानी आप कहें कि प्रोमिनेंट सोर्स या कोई अच्छी तरह से ऐसी फार्मेसियों से या प्रोमिनेंट या जैसे वो मशहूर जो होते हैं या जो जाने माने होते हैं, सोर्स बहुत जाना माना होना चाहिए। कोई चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए या अभी घर पे है तो सब कुछ? ये बहुत सही, यस दैट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, मुझे पहले भी याद आया था, अभी आपने पूछ ही दिया तो अच्छा हुआ। कि जैसे होम्योपैथी में बताया जाता है, जैसे बहुत सारे मिथ चल रहे, एक मिथ ये भी है कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं या कोई तेज चीज खाते हैं या आजू बाजू में हाई परफ्यूम लगाते हैं तो उसके बाजू में होम्योपैथी की दवा नहीं होना चाहिए, उसके साथ नहीं खानी चाहिए, यानी तेज मसालों के साथ, पर ऐसा नहीं है। मगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, पानी बहुत पियेंगे, यानी 3 लीटर कम से कम पानी पियेंगे, ये गर्मी का मौसम जो शुरू हुआ है, तो हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी एसेंशियल। लाइट फूड खा लेंगे, ज्यादा बार बार बहुत ना खाए, डिस्टर्ब डाइजेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, और रात को प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। आजकल नेटफ्लिक्स जो अब बहुत सारे चैनल 24 घंटे चलते रहते हैं, लोग क्या करते हैं कि इन टेम्पटेशन दे कॉम्प्रोमाइज देयर स्लीप, और स्लीप की वजह से फिर पोस्टपोन द स्लीप, पूरा डे नाइट का साइकिल शिफ्ट, उसमें इम्यूनिटी कम ही हो जाती है। We really appreciate your support of the medicine, this guidance, and continuous support. I'll say thank you very much, thank sir. You very much. Thank you, everybody. Yeah, thank you, everyone, for joining this seminar, and we appreciate your presence. Thank you.